आई मीन लाइक हेलो लाइक यू नो मैंने कोई करता धरता मैंने कोई आई एम नॉट टेकन वन होल लाइक यू नो ठेका ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू टैलेंट इन दिस व्हेन डिड आई बिकम दैट पर्सन मैं जो करना चाहता हूं मैं करना चाहता हूं चाहे मैं अपने फूफे के बेटे को लॉन्च करूं या मेरी चाची के भतीजे को लॉन्च करूं आई कैन डू व्हाट द आई वांट पद्मश्री विजेता करण जौहर साहब पद्मश्री इन्हीं को पद्मश्री दिया गया है तो आपने सुना ये कह रहे थे मैं चाचा को दूं फूफा को दूं अपने भतीजे को दूं अपने बेटे को दूं हेलो आपको क्यों फर्क पड़ता है बिल्कुल और मुझे लगता है जो पद्मश्री देने वाले लोग थे इन्होंने इनकी ये बात नहीं सुनी या फिर इनके हिस्ट्री को चेक नहीं किया या फिर इनको मालूम नहीं है कि बॉलीवुड में गंद फैलाने के लिए करण जौहर ने कितना योगदान दिया है। आपने सिर्फ ये देखा कि इन्होंने फिल्में बनाई किस तरह की फिल्में बनाई इससे आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। पद्मश्री विजेता करण जौहर यहां पे जो कह रहे हैं आप इससे कितने सहमत हैं नहीं हैं मुझे भी घंटा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आप ऐसे लोगों को पद्मश्री दे रहे हैं ना आप पद्मश्री को बदनाम कर रहे हैं। पद्मश्री पाने वाले उन लोगों को उसी कैटेगरी पे आप खड़े कर रहे हैं जो नंगे पांव आपसे पद्मश्री लेने आए थे। ऐसे लोग जिन्होंने बिना किसी क्रेडिट के गुमनामी में खामोशी से ऐसे काम किए जिनके काम ने उनको पद्मश्री दिलाया लेकिन फिर आपने करण जौहर को पद्मश्री देकर के सारे नाम खराब कर दिए। इनका योगदान तो सुनिए नेपोटिज्म को इन्होंने सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया ड्रग्स इंडस्ट्री को इन्होंने सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया इन्होंने सेंसर बोर्ड को ऑलमोस्ट खरीद लिया पारिवारिक फिल्मों के नाम पर कभी खुशी कभी गम भी आपने देखा लेकिन वहीं पे प्रियंका चोपड़ा माफ कीजिएगा प्रियंका चोपड़ा नहीं करीना कपूर को जिस तरीके से पेश किया गया जिस तरीके के कपड़े पहनाए गए आपको लगता है कि वो पारिवारिक फिल्म बनाई थी उन्होंने ऐसी और कई सारी फिल्में स्टूडेंट I don't even remember the names, लेकिन नेपो किड्स को ही बढ़ावा देते रहने पर जब इनसे सवाल पूछा गया इनसे बोला गया कि भाई आप तो बाहरियों को सपोर्ट ही नहीं करते आप टैलेंट को सपोर्ट नहीं करते आप जो कलाकार हैं अगर आप चलो आप इंडस्ट्री में एक बहुत बड़े नाम है बड़ी बड़ी फिल्में बनाते हैं आपको खुद पे बहुत भरोसा है कि आप ऐसी फिल्में बनाते हैं जो कि हिट होगी ही होगी लेकिन कलाकारों में आपको सिर्फ वही लोग दिखते हैं जो कि आपके करीब हैं या तो आपके रिश्तेदार हैं या फिर जो आपके तलवे चाटते हैं ये जो बड़े बड़े एक्टर हैं बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस हैं बड़े बड़े प्रोड्यूसर बड़े बड़े डायरेक्टर के बेटे बेटियां हैं उन्हीं को आप मौका देते हैं हेलो करण जौहर हेलो नींद से जागो अगर आप फिल्में उन्हीं के लिए बना रहे हो उन्हीं के साथ बना रहे हो तो ऑडियंस भी उन्हीं से लो है ना आपके चाचा मामा काका फूफा सब वहीं से फिल्में देखें क्या फर्क पड़ता है आपको हमारी जरूरत ही नहीं है ना फिर जरूरत क्यों है भाई फिर क्यों हाथ जोड़ करके आते हो कि प्लीज हमारी फिल्म देख लो प्लीज हमारी और जो तुम्हारे साथ हो रहा ना करण जौहर पद्मश्री को छोड़ करके जैसे फॉक्स ने हाथ खींच लिए स्टार ने हाथ खींच लिए वैसे ही जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना अपने हाथ को ऐसे ही खींच लेंगे सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ ये हम सब ने देखा कॉफी विद करण जो तुम्हारा शो चलता था जिसमें लोगों को नंगा करते थे तुम जो बाहर से आए हुए कलाकार थे वो भी हमने देखा और बहुत जल्द ही ऑडियंस इस बात का फैसला करेगी कि तुम सच में डिजर्व करते हो पद्मश्री या नहीं और बॉलीवुड में तुम्हारी क्या जगह है वो जगह भी ऑडियंस ही दिखाएगी और विधाता भी इसका फैसला करेगा इसलिए सोच समझ के बोला करो जो भी कहते हो मुंह है बोल दो सच में तुम्हारे बाप की इंडस्ट्री जिसको फिल्में देना है दो तो फिल्में देखने के लिए भी अपने बाप की इंडस्ट्री के लोगों को बुलाओ ना है ना हमें बुलाने की क्या जरूरत है ऐसे लोगों को बॉयकॉट करने की जरूरत है ये जो हवा में उड़ने वाले लोग हैं ना ये हमारी वजह से हवा में उड़ते हैं हम और आप और हमारे जैसे करोड़ों लोग इनकी फिल्में जाकर के देखते हैं और ये सर पे चढ़ते हैं ईमानदारी से बताएं
बस इतना ही है, अपना ध्यान रखिए।